कम खर्चे में बढ़िया क्राफ्ट बनाना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मैं हूं दिल्ली से नरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। निर्धारित आकार में कार्डबोर्ड को काट लें। ध्यान रखें कार्डबोर्ड मजबूत होना चाहिए। अब हम वॉल पुट्टी लेंगे। किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे ये आसानी से बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। इसी के पाउडर से केवल पानी मिलाकर टूथपेस्ट की तरह गाढ़ा घोल बना लें और पूरे कार्डबोर्ड पे इसी पेस्ट से लेयरिंग करें, एक समान फैलाएं और कोशिश करें अगर ये कार्डबोर्ड पतला है तो ब्राउन टेप से पहले कार्डबोर्ड को कवर करें तब ये लेयरिंग करें। ब्राउन टेप की वजह से कार्डबोर्ड की शेप खराब नहीं होगी। इसे कंप्लीट करके अच्छी तरह ड्राई होने दें। कंपोजिशन के हिसाब से एक एलिफेंट की ड्राइंग कर लें और कैंची से फ्लैश कट काट लें। इस एलिफेंट को एक छोटे पेपर पर रखकर नाप लें। अब हम वॉल पुट्टी से डो बना लेंगे। डो बनाने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ देख कर सीख सकते हैं। इसी डो से आप शीट बना सकते हैं, बहुत अच्छा शीट बनता है। और इसी शीट से हम जो एलिफेंट की हमने साइज ली है छोटे पेपर पे, उसे हम कवर करते चले जाएंगे। पूरे साइज को हम कवर कर लेंगे और जो बीच का जो गैप है वो हम केवल पानी से स्मूथ कर लेंगे। इसी शीट के ऊपर जो एलिफेंट का कटआउट है उसे रखें और एक आल पिन ले लें या सेफ्टी पिन ले लें, उसी की सहारे एलिफेंट के आउटलाइन की कटिंग कर लें। ये बिल्कुल मक्खन की तरह कट जाएगा और जो फालतू के बाहर की तरफ शीट्स निकले हैं उन्हें हटाते जाएं। तो इसी तरह पूरे ड्राइंग को हम काट लेंगे और इन्हें हम अच्छी तरह ड्राई होने देंगे। दोस्तों ये एमसील है, किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे 10 रुपये का मिल जाता है। इन दोनों को मिलाकर एक ब्लैक कलर का क्ले बन जाएगा। इसी क्ले की सहायता से हम हैंगर बनाएंगे। तो जो क्राफ्ट है उसे हम पलट देंगे। 3 इंच के 6 तार लिए हैं मैंने। इन तारों को समान दूरी पर रख दें नीचे की तरफ और एक तार को हैंगर की तरह बनाकर ऊपर की तरफ रख दें। और जो आपने एमसील का क्ले तैयार किया है इसी क्ले को इन तारों पे अच्छी तरह चिपका दें और इन्हें हम ड्राई होने देंगे। एमसील इतना मजबूत होता है कि ये क्राफ्ट का भार आसानी से सहन कर लेगा। फिर से वॉल पुट्टी का गाढ़ा पेस्ट लें। खराब टूथब्रश या खराब ब्रश दोनों की सहायता से हम क्राफ्ट के ऊपर चारों तरफ एक बॉर्डर छोड़कर मनपसंद टेक्सचर बना लेंगे। आप जिसमें कंफर्ट हो वही टेक्सचर बनाएं और इन्हें भी हम अच्छी तरीके से ड्राई होने देंगे। हमने जो एलिफेंट की कटिंग करी थी वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो अब हम इस पर सेकेंड लेयर आराम से कर सकते हैं। केवल पानी लगाकर वॉल पुट्टी की डो की सहायता से इसमें डिटेलिंग करें। धीरे धीरे ये सेकेंड लेयर का डिटेलिंग करते चलें और इन्हें हम केवल पानी की सहारे स्मूथ करेंगे और शेप देंगे। आपने कभी वॉल पुट्टी से काम नहीं किया है तो पहले आपको डो बनाने का अभ्यास करना चाहिए और फिर उसी डो से छोटे छोटे क्राफ्ट्स बनाने चाहिए। एक बार जब आप बनाने लग जाएं तो कोई भी फाइनल और थोड़ा सा बड़ा क्राफ्ट आराम से बना सकते हैं। क्राफ्ट और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको हमेशा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और जो भी क्ले आप यूज़ करते हैं उसे आपको समझना होता है। अगर आपने वॉल पुट्टी से काम नहीं किया है पर सीखने की चाहत रखते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है जिसमें मैं लाइव हूँ और ये रिकॉर्डेड वीडियो है। इसमें डो बनाना, शेप बनाना, कलर करना, फिनिशिंग करना वगैरह सारा डिटेल में बताते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। सेफ्टी पिन की सहायता से ट्रंक की डिटेलिंग, फिर कान भी बना लें और इसके बाद हम इसे ड्राई होने देंगे अच्छी तरीके से। वॉल पुट्टी की डो की सहायता से छोटे छोटे गोले बना लें और इन्हें हम ड्राई होने देंगे, ढेर सारे बना लें। डो की सहायता से छोटी छोटी पत्तियां बना लें, आलपिन के सहारे इसकी डिटेलिंग करें और इन्हें भी हम ड्राई होने देंगे, ढेर सारे बना लें और इन्हें अच्छी तरह सुखा लें। सूखे हुए एलिफेंट को हम क्राफ्ट के ऊपर रखेंगे और कंपोजिशन का ध्यान रखते हुए एक ट्री का ड्राइंग कर लेंगे। अंदाज से कर लें और फिर हम
वॉलपुटी का पतला पेस्ट लगाकर इसी के ऊपर वॉलपुटी के डो से पतले पतले कॉइल्स बनाकर ट्री की डिटेलिंग करेंगे, यानी ट्री को आकार देंगे। ये जो ट्री का शेप है ये आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। ट्री के ऊपर टेक्सचर बनाने के लिए पतले नाइफ का या फिर नेल कटर या फिर सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे ट्री को कंप्लीट करें, और अगर लगता है आपको तो नीचे की तरफ कुछ स्टोन्स बना लें कंपोजिशन के हिसाब से, और कुछ झाड़ियाँ भी बना सकते हैं। आपने जो छोटी गोलियाँ बनाई थी इन्हें हम बॉर्डर पे चिपका लेंगे, वॉलपुट्टी के गाढ़े घोल से चिपकाएं और इन्हें हम फिर से ड्राई होने देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सूखने दें। इसी बीच हमारा जो एलिफेंट है वो ड्राई हो गया है। वॉलपुट्टी के डो से पतले पतले कॉइल्स बनाकर इसकी डिटेलिंग करें, मनपसंद डिज़ाइन बनाएं और वॉलपुट्टी के घोल से ही इसे चिपकाएं। जहां ज़रूरत हो वहां छोटे गोले बनाकर चिपकाएं, और जहां ज़रूरत हो वहां वॉलपुट्टी के पतले कॉइल्स बनाकर डिज़ाइन बना लें। साथ ही दांत बनाकर यानी एलिफेंट का जो टीथ होता है वो बनाकर चिपका लें। जैसे ही हमारा सारा एलिमेंट ड्राई हो जाता है तो एक बार क्राफ्ट के ऊपर रख कर देख लेते हैं कंपोजिशन बनाकर। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो 320 नंबर के सैंड पेपर से फिनिश भी कर सकते हैं। आइए अब इसकी कलरिंग करते हैं। वॉलपुट्टी के क्राफ्ट में हमेशा एक्रेलिक कलर करें, एक बार कलर करें, ड्राई होने दें, फिर से दोबारा कोट करें। ज़रूरत पड़े तो तीसरा कोट भी कर सकते हैं, अपने आप शाइनिंग आ जाती है। सिल्वर कलर करने के लिए सिल्वर डस्ट को मीडियम वन में मिलाएं और सिल्वर कलर तैयार करें। स्पंज पे लगाएं और जहाँ जहाँ डिटेलिंग करनी है वहाँ पे हल्के हल्के हाथों से पहला कोट करें। जब पहला कोट ड्राई हो जाए तो फिर से दोबारा कोट करें अपने कंपोजिशन के हिसाब से, और जितना आपको चाहिए उसी हिसाब से इसकी कोटिंग करें, और इन्हें भी हम ड्राई होने देंगे। किसी भी राउंड शेप की सहायता से नीचे जो तार हैं उन्हें हम मोड़ लेंगे, और फिर हम हाथों से भी थोड़ा सा हुक जैसा आकार बना लेंगे। इन हुक्स के किनारे पे या तो आपके पास पर्ल हो, मोती, या फिर वॉलपुट्टी के गोले बनाकर फेविकोल की सहायता से चिपका सकते हैं। बॉर्डर के अंदर कट मिरर्स चिपका लें फेविकोल की सहायता से। अब दोस्तों एलिफेंट को पलट लें और अच्छी मात्रा में वॉलपुट्टी का गाढ़ा पेस्ट लगाएं, और निर्धारित जगह पे इसे हम क्राफ्ट के ऊपर चिपका देंगे। इसे हम ड्राई होने देंगे अच्छे तरीके से 3-4 घंटे के लिए। छोटी पत्तियों को भी वॉलपुट्टी के गाढ़े घोल से कंपोजिशन के हिसाब से चिपका लें। पूरे क्राफ्ट को बढ़िया से सूखने दें। तो दोस्तों ये सुंदर और सस्ता की होल्डर तैयार है। अब कोई डांट नहीं खाएगा क्योंकि चाबियां तो इस सुंदर से की होल्डर में टंगी होंगी। इस क्राफ्ट पे अपनी चाबियां हर कोई टांगना चाहेगा। पड़ोसी इस क्राफ्ट को मार्केट में कितना भी खोजेंगे नहीं मिलेगा, पर आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, वो है तारीफ, ढेर सारी तारीफ। इसी तरह के ढेर सारे बजट वाले क्राफ्ट आप मेरे चैनल क्राफ्ट पॉकेट पे देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका बजट वाला क्राफ्ट आपको हमेशा मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरा हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। जल्द मिलते हैं एक नए क्राफ्ट के साथ, तब तक आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।